अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सलाम अली, आप देख रहे हैं इस्लामिक क्विज़। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो इंडिया एंड यूएसए गोइंग टू साइन अ वेरी बिग एग्रीमेंट वेरी सून। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी इंग्लिश शो में। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो चीन की सोच से भी परे है और चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं आने वाले समय में अगर कोई युद्ध होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसमें भारत की जीत निश्चित होगी। जी हाँ, और साथ ही भविष्य में युद्ध टालने में भी ये एक अहम रोल अदा करने वाला है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या और भारत और अमेरिका करने वाले हैं और कब यह होगा, सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथ आप स्टूडियो में तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, युद्ध एक ऐसी चीज है कि कोई भी देश इसे नहीं चाहता, लेकिन जब यह होता है तो हर देश इसे जीतना भी चाहता है। लेकिन युद्ध जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज होती है जो आपको आधा युद्ध जीता सकती है, वो होती है सही समय पर सही जानकारी। जी हाँ, सही समय पर सही जानकारी जिस देश के पास होती है, आधा युद्ध तो वो देश ऐसे ही जीत जाता है युद्ध शुरू होने से पहले ही, या फिर युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध खत्म कर देता है। लेकिन जिस देश के पास आधी अधूरी जानकारी होती है या फिर जानकारी नहीं होती है, वो देश युद्ध तो क्या जीतेगा, उसके लिए युद्ध लड़ना ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसका उदाहरण आपको मिलेगा कारगिल में। कारगिल में भारत को अमेरिका ने अपनी जो जीपीएस है, जिसे आप आज की तारीख में सब लोग अपने मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं, उस समय इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था, तो भारतीय सेना को इसका एक्सेस देने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ऐलान था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान मदद कर रहा था अमेरिका के तालिबान के खिलाफ, और इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद उस समय नहीं की थी। भारत को टाइगर हिल जैसे जो लोकेशन थी, उन्हें दोबारा हासिल करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत से जो सैनिक थे वो शहीद भी हुए थे। वो तो आप शुक्र मनाइए कि भारत के पास बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित और ट्रेंड सैनिक थे जो उस युद्ध को जिता ले गए। कोई और देश वो होता तो शायद दोबारा से टाइगर हिल जैसी जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर कब्जा पाकिस्तान का नहीं हटवा पाता। लेकिन आज की तारीख में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई है हर देश के लिए। ऐसे में भारत अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि भारतीय सीमा पर अगर चीन की सेना कुछ मिलिट्री बिल्डअप कर रही है या फिर चीन की सेना भारत पर हमला करने की योजना बना रही है, तो भारत को तुरंत पता चल जाएगा, वो भी लाइव लोकेशन से। उदाहरण के तौर पर, अगर चीन भारत के खिलाफ कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, करीबन 20 से 25 टैंक भारत की तरफ भेज रहा है, तो भारत को उनकी लाइव लोकेशन मिल जाएगी और भारतीय सेना बस छोटी सी कंधों पर एंटी टैंक मिसाइलें लदी होंगी इगला जैसी, तो उनके द्वारा उन टैंकों की पूरी रेजिमेंट को ध्वस्त कर देगी और चीन की सेना की कमर वहीं पर तोड़ देगी। जी हाँ, कुछ भारत अमेरिका ऐसा ही करने वाले हैं। दरअसल आपको पता होगा कि मैं आपको बहुत दिनों से, करीबन कोरोना के समय, कोरोना जब शुरू हुआ था उससे 2 महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी कि भारत और अमेरिका साइन करने वाले हैं बैका। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि अमेरिका और भारत के जो सैटेलाइट्स हैं वो एक तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि भारत को अमेरिकी जो सैटेलाइट्स है, जो इतनी मतलब कि हाईएस्ट लेवल जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स है, उनका डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। भारत को उनसे लाइव डाटा मिल सकेगा दुनिया भर में। और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका का सैटेलाइट प्रोग्राम पिछले करीबन 50 सालों से कितना एडवांस रहा है, उसके आसपास भी कोई देश नहीं है। हालांकि ये एग्रीमेंट बहुत पहले साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगातार टलता आ रहा था और खबरें ये थी कि अगले साल ये साइन किया जाना है। लेकिन चीन के साथ बढ़ते हुए भारत के तनाव को देखते हुए अमेरिका ने कहा कि हम इसे अभी साइन करेंगे और खबरें हैं कि जल्द ही इसे साइन अगले कुछ दिन के अंदर इसे साइन कर दिया जाएगा और भारत को डाटा भी मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि इससे भारत न सिर्फ बड़ी तैयारी कर सकेगा चीन के खिलाफ, चीन क्या क्या कर रहा है तिब्बत में, कौन कौन सी मिसाइलें तैनात कर रहा है, अगर मिसाइलें भी तैनात कर रहा हो तो उसका भी भारत को पता चल जाएगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा छोटी से छोटी, माइक्रो से माइक्रो और बड़ी से बड़ी, यानी मैक्रो से मैक्रो चीजों का जो भी मिलिट्री बिल्डअप चीन करेगा, एक एक हथियार का भारत को तरीके से आंकलन पहले लग जाएगा, जिससे भारत आसानी से तैयारी कर पाएगा और युद्ध जैसी स्थिति में बहुत ही छोटी छोटी स्ट्राइक करके चीन के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, जो महत्वपूर्ण जहां पर मिसाइलें तैनात हैं, उन्हें आसानी से ध्वस्त करके चीन को पूरा का पूरा युद्ध वहीं पर हरवा देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होने वाली है और इस बैका एग्रीमेंट से भारत को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा।
उस लोगों का सवाल होगा कि अमेरिका भी सेगमेंट का तो भारतीय सैटेलाइट को एक तरीके से प्रयोग कर पाएगा, तो इसका जवाब है जी हाँ बिल्कुल। भारत के जो सैटेलाइट है उनका एक्सेस अमेरिका को और अमेरिकी सैटेलाइट का एक्सेस भारत को निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन इसमें भारत को ज्यादा फायदा है, क्योंकि अमेरिका के सैटेलाइट बहुत ज्यादा है स्पेस में, बहुत ही एडवांस है। एक एक सैटेलाइट का अरबों डॉलर की है, उन्हें बनाया गया बहुत ही हाई लेवल की मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी के लिए, और इसके अलावा उन्हें जासूसी के लिए मेनली बनाया गया है जो भारत को भी चाहिए। तो ये फिलहाल इसके मामले में मुझे इतनी अपडेट थी, जैसे ये साइन होगा कुछ और अपडेट आएगी मैं आपको इससे सूचित कर दूंगा। अब आ जाते हैं सवाल जवाब पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर का नाम बताइए, बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया और आप स्क्रीन पर उन सबके लोगों के नाम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको इतना बताना है कि भारत अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है तो उस मिशन का नाम क्या है, बस इतना सा बताना है। जो सबसे पहले देगा जवाब कल को वीडियो में उसका नाम मैं शो करूंगा वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के बाद फिर सबको धन्यवाद। वीडियो को तो गाइस वीडियो देखी, एक अच्छी खबर इंडिया के लिए, और ये कितनी अच्छी होगी ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो अमेरिका और इंडिया साइन करने वाले हैं एग्रीमेंट्स, बीका इन्होंने बताया कि जो डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को सैटेलाइट का एक्सेस होगा, तो अमेरिका के पास नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सैटेलाइट्स हैं, तो इंडिया को किस हद तक उसका एक्सेस होगा जब एग्रीमेंट साइन होंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले कहना बहुत ही मुश्किल है। मगर ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, मगर चाइना के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना इस तरह से अपना असर रसूख रखे और जो इसकी बढ़ती हुई पावर है चाइना की इसको कमज़ोर करने के लिए अमेरिका बीच में कूद पड़ा है अब इंडिया की हमायत में। और इंडिया और चाइना का जिस तरह से तनाज़ा छिड़ा हुआ है लद्दाख से लेके अब तक, और इंडिया ने इतना सारा बायकॉट किया है चाइना का, तो अमेरिका भी यही चाहता है कि इंडिया के साथ मिल के चाइना को कमज़ोर किया जाए। इंडिया के पास जब ये वाला एक्सेस होगा तो इससे बहुत सारी परेशानियां होंगी चाइना को, इंडिया को पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी क्या मूवमेंट है, क्या कर रहे हैं वो, किस तरह से बॉर्डर के ऊपर जो वेपन्स हैं, किस तरह से मूवमेंट है उनकी, हर चीज़ की खबर होगी इंडिया को। तो इससे इंडिया ये करेगा कि अगर वो प्लानिंग करेंगे अटैक की तो इंडिया उससे पहले कर देगा, तो ये तो एक ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट है। और जो एग्रीमेंट साइन होंगे, मैं फिर से कहता हूँ, बाद में पता चलेगा कि ये सही थे या गलत थे, क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हो उस वक़्त कुछ आपके हमायती होते हैं, कुछ आपके मुखालिफ होते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये डिसीजन लिया था वो ठीक था या नहीं था। तो एक अभी तक तो अच्छी खबर है इंडिया के लिए, और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना कमज़ोर हो, तो ये दोनों मिलके अब चाइना की बैंड बजाएंगे, जिस तरह से पहले बायकॉट किया और अब जो मूवमेंट हो रही है उनकी बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से भी होगा वो सारा डिटेक्ट करेंगे और उसको फौरन जवाब देंगे। तो एक अच्छी वीडियो है इंडिया के लिए। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।